नमस्कार दोस्तों आपने आए दिन ऐसी ढेरों खबरें पढ़ी होंगी जब आपने जाना होगा कि कोई फेमस कलाकार 100-200 फिल्मों में काम करने के बाद भी गरीब हो गया या किसी कलाकार के आखिरी दिन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीते काफ़ी कलाकार तो ऐसे रहे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में दो वक्त की छोड़ो एक वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती थी कितने कलाकार ऐसे रहे जो गरीब हुए तो खुद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें भूखे मरने को छोड़ दिया कोई पागलखाने पहुंच गया कोई मंदिर के गेट पर भीख मांगकर पेट भरता रहा तो कई लोग ऐसे रहे को जो बीमार हो गए कि उनके शरीर में कीड़े तक पड़ गए लेकिन सवाल आता है कि ये करोड़ों कमाने के बाद भी बॉलीवुड कलाकार अंतिम समय में इतने गरीब क्यों हो गए जबकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो 300 साढ़े तीन सौ फिल्मों में काम कर चुके थे अगर कोई 200-300 फिल्मों में काम करके करोड़ों का मालिक बनने के बाद भी गरीब होता है तो इसमें दोष किसका है किस्मत का या खुद का आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों ये लोग करोड़ों कमाने के बाद भी फ़कीर बन गए मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी जया कुमारी की जया कुमारी तमिल और मलयालम सिनेमा की एक जानी पहचानी एक्ट्रेस रही हैं 1960, 70 और 80 के दशक में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था जया कुमारी ने सिर्फ 16 साल की एज से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और उनकी पहली फिल्म तमिल फिल्म थी इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक लगातार काम किया और पूरे करियर में तीन से ज्यादा फिल्में कर डाली जया कुमारी ने नागपट्टिनम अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति से शादी की इनके टोटल तीन बच्चे हुए लेकिन बच्चे भी इनकी आज की डेट में खबर नहीं ले रहे हैं जया कुमारी की उम्र आज की डेट में बहत्तर साल है और वो किडनी की बीमारी से जूझ रही हैं किसी समय पर जया कुमारी आलिशान बंगले में रहती थी लग्जरी गाड़ियाँ थी और सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि बहुत सा नाम कमाया था वो सीनियर एक्ट्रेस आज अपने इलाज के लिए तड़प रही है उनके पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है जया कुमारी की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं उनके पास में इलाज के पैसे तक नहीं है तो अब वो जो है सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने को मजबूर है उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मदद की गुहार लगाई पोस्ट डाला किसी ने क्योंकि पति की उनकी मौत हो चुकी है और बेटे उनका किसी भी तरह से हालचाल नहीं ले रहे हैं अब तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं एम सुब्रमण्यम उन्होंने जो है जया कुमारी से मुलाकात की है और वो मदद को आगे आई हैं उन्होंने कहा है कि अस्पताल के बिल का पूरा ध्यान हमारी सरकार करेगी हेल्थ मिनिस्टर ने जया कुमारी से खुद जाकर मुलाकात की थी लेकिन सवाल यही है कि करोड़ों में खेलने वाले कलाकार का अंत समय इस तरह की उनकी हालत हो क्यों जाती है जया कुमारी एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो इस तरह की हालत से जूझ रही हैं साउथ में तो ऐसे मामले है ही हैं लेकिन बॉलीवुड में तो ऐसे ढेरों मामले हैं जहां बड़े बड़े कलाकार गरीबी की मौत मरे वो भी करोड़ों कमाने के बाद फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी की उन्नीस में मौत हुई थी और अंत समय में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अस्पताल का बिल भर पाती और मीना कुमारी कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी अपने समय में और आज की डेट में भी उनका नाम कितना बड़ा है ये हर कोई जानता है अचला सचदेव अचला सचदेव भी अपने समय की फेमस एक्ट्रेस थी और उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने भी 200 से 250 फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग को उस समय काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था अपने अन समय में वो एक लंबी बीमारी से गुजरी और एकदम अकेली हो गई थी और उनके पास में जो है पैसे इतने भी नहीं थे कि वो अपनी दवाई खरीद सकें भगवान दादा बहुत बड़ा नाम है भगवान दादा का बॉलीवुड में एक बड़ा नाम रह चुके हैं एक्टर डायरेक्टर राइटर हर फील्ड में दौलत और शोहरत खूब कमाई वो सत्तर और अस्सी के दशक में सबसे अमीर कलाकारों में गिने जाते थे उनका बंगला इतना बड़ा था कि उसमें 25 बेडरूम बने हुए थे लग्जरी गाड़ियां एक से बढ़कर एक खड़ी हुई थी लेकिन बाद में हालात इस तरह बिगड़े कि 25 बेडरूम के बंगले को छोड़कर उन्हें एक गंदी सी चौल में अपना आखिरी वक्त गुजारना पड़ा जब भगवान दादा चौल में रहते थे तब उनके जो खास दोस्त माने जाते थे जैसे सुनील दत्त ओम प्रकाश जॉनी लीवर उनसे मिलने के लिए चौल में जाते थे हालत ऐसी हो गई थी कि चौल भी जो है वो किराए की थी और उसका किराया देने के भी उनके पास में पैसे नहीं थे भगवान दादा एक ऐसे अकेले एक्टर थे जिनके पास में इतना बड़ा बंगला था जिसमें 25 बेडरूम थे लेकिन बाद का समय उनका गरीबी में बीता और एकदम अकेलेपन में इसके अलावा ए के हंगल इन्हें भी जो है कई लोग पहचानते होंगे सवा दो से ज्यादा फिल्मों में काम किया 2012 में इनकी मौत हुई लेकिन अपने अन्य समय में पैसे की दिक्कत इतनी हो गई कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे 1960 के दशक की मशहूर और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली एक्ट्रेस विमलेश उर्फ विमी एक समय काफी अमीर मानी जाती थी धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ था लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनकी डेड बॉडी को एक ठेले पर शमशान घाट लेकर जाया गया पैसों के लिए प्रोस्टिट्यूशन तक किया और बाद में गुमनामी की मौत मर गई लाइफ पर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, है। चैनल पर अवेलेबल है आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं और मैं इसके अलावा जितने कलाकारों के नाम ले रहा हूं उन पर आप अगर किसी पर वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना पुराने समय में भरत भूषण भी बहुत कामयाब एक्टर माने जाते थे उनके पास में भी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी लेकिन उनका आखिरी समय ऐसी गरीबी में बीता कि वो उसी फिल्म स्टूडियो के गेट कीपर बन गए मतलब गार्ड बन गए जहां पर वो कभी अपनी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए अपनी लग्जरी गाड़ियों से आते थे अपनी मौत के समय वो एक किराए के कमरे में रहते थे और उनकी जब मौत हो गई तो उनके पास में खाने को पैसे तक नहीं थे इसके अलावा महेश आनंद सतीश कौल सुलक्षणा पंडित गेविन पैकर्ड ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपने आखिरी दिनों में गरीबी की मौत बने जिनके पास में ना खाने को पैसे थे ना बीमारी का इलाज करने को पैसे थे और एकदम किराए के मकान में उनकी मौत हुई मैंने जितने भी नाम लिए हैं सबके सब अपने समय के फेमस नाम थे और हर कोई 200, 250, 300 फिल्मों में काम कर चुका था सारे के सारे एक समय पर करोड़पति भी रह चुके थे लेकिन अपने आखिरी समय में दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले के समय में ऐसे हालात थे अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं लॉकडाउन लगा था और मुश्किल से एक डेढ़ साल के लिए काम बंद हो गया था कोई काम नहीं चल रहा था कोई शूटिंग नहीं चल रही थी और कई अमीर एक्टर्स की उसमें जो है पोल खुल गई थी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे कि उनके पास में खाने को पैसे नहीं है उनकी जो सेविंग्स से है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है जिसमें कई टीवी कलाकार तो थे ही थे बल्कि बॉलीवुड फिल्मों के भी कई सारे कलाकार थे लेकिन क्यों ये लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी घर में बैठकर एक दो साल सरवाइव नहीं कर पाते हैं जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं वो डेढ़ साल के अंदर ही उनकी असली औकात पता चल जाती है उनके पैसे खत्म हो जाते हैं ऐसा क्यों एक डेढ़ साल कोरोना में काम बंद रहा तो काफी लोगों का बैंक बैलेंस खत्म हो गया और पहले के समय में एक्टर्स को काम मिलने के बाद में दो चार साल घर पर रहते थे तो दो चार साल के बाद वो गरीब होना शुरू हो जाते थे लेकिन ऐसा है क्यों दरअसल इनकी ज़िंदगी सिर्फ दिखावे और अयाशी पर चलती है ये पाँच दस बीस साल जितना भी काम करते हैं तो उसी ज़िंदगी को जीने में इन्हें जो है इनकी आदत हो जाती है उस लग्ज़री लाइफ को जीने की और हर रोज़ पार्टी करना शराब पीना ड्रग्स अयाशी यानी इनका हर रोज़ का लाखों में खर्चा होता है ये चाहकर भी अपनी अयाशी भरी लाइफ को छोड़ नहीं पाते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब इनकी जमा पूंजी घटने लगती है और ये रोड पर आ जाते हैं जितने भी कलाकार अपने अंतिम समय में गरीब हुए उनमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे शराबी थे अयास थे और वही अयाशी वाली लाइफ में उन्होंने जो है अपनी कंगाली देखी और वो कंगाल हुए ये ज़्यादातर कलाकार अपने फ्यूचर को सिक्योर किए बिना सफलता के नशे में चूर रहते हैं और जितना कमाते हैं उतना ही अपनी अयाशी पर खर्च कर देते हैं इन्हें लगता है कि ये तो एक्टर हैं तो इन्हें तो जिंदगी भर काम मिलेगा लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा टाइम आता है जब इनका टाइम ओवर हो चुका होता है और काम मिलना बंद हो जाता है कुछ बड़े बड़े नाम वाले अमीर कलाकार हर रोज पार्टी करते हैं नशेबाजी लड़की बाजी अयाशी सब कुछ करते हैं और ये बीस तीस कलाकार होते हैं जो इस तरह की लाइफ जीते हैं इनकी देखा देखी बाकी जो कलाकार होते हैं वो इसी स्टैंडर्ड को मैच करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनकी जितनी जमा पूंजी होती है वो उसमें खर्च कर देते हैं यानी देखा देखी बड़े बड़े कलाकारों को देखा देखी पार्टी करते हैं अयाशी करते हैं और जो चिल्लर में कमाते हैं चिल्लर भी उनका करोड़ों में होता है वो उस करोड़ों को भी खर्च कर देते हैं सिर्फ दिखावे के लिए और बाद में जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो रोना रोते हैं कि हमने इतना काम किया है इतनी एक्टिंग की है बॉलीवुड को इतना कुछ दिया है कोई हमारी मदद नहीं करता क्यों मदद करे कोई जब पैसा आता है तो ये लोग अयाशी में उड़ा देते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि बाकी कलाकार इनकी मदद करेंगे इसी तरह के मामलों में मदद की अगर कोई भी जरूरत होती है तो साउथ में की जाती है बॉलीवुड में तो इतने नालायक हैं कि कोई मरते हुए इंसान को पानी भी ना पिलाए बॉलीवुड में तो हर कोई मतलबी और स्वार्थी है लेकिन ये देख भी ज़्यादातर कलाकार अयाशी में ही अपना जीवन गुजार देते हैं और बाद में सिल बट्टे पर पिसी हुई प्याज की तरह मुंह बनाकर बैठ जाते हैं कि कोई हमारी मदद कर दो तो। करोड़ों कमाने के बाद भी अंत समय में गरीबी में मरना आप इसका जिम्मेदार किस चीज़ को मानते हैं वो कौन सी वजह है कि लोग करोड़ों कमाने के बाद भी ये लोग काफ़ी सारे लोग गरीबी में मर जाते हैं आप भी अपना ओपिनियन दें इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में जय हिंद जयराम जी की